हापुड़ से बड़ी खबर है, अपहरण कर छात्रा से गैंगरेप। स्कूल से लौट रही छात्रा का किया था अपहरण। चार युवकों पर गैंगरेप का आरोप। गंभीर हालत में छात्रा को मेरठ रेफर किया गया है। कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर का यह मामला, चार युवकों पर गैंगरेप का आरोप। बड़ी खबर, गंभीर हालत में छात्रा को मेरठ रेफर किया गया है। कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर का यह मामला आपको बता रहे हैं। हापुड़ से खबर, अपहरण कर छात्रा से गैंगरेप। हिला देने वाली खबर हापुड़ से आ रही है। स्कूल से लौट रही छात्रा का अपहरण किया चार युवकों ने। गैंगरेप का आरोप चार युवकों पर लगा है। गंभीर हालत में छात्रा को मेरठ रेफर किया गया। कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर में छात्रा से हैवानियत की खबर इस वक्त हापुड़ से आ रही है। अपहरण कर छात्रा से गैंगरेप किया गया। स्कूल से लौट रही छात्रा का अपहरण, चार युवकों पर गैंगरेप का आरोप। गंभीर हालत में छात्रा को रेफर किया गया है मेरठ। महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल। खुले में हैवान घूम रहे हैं, हापुड़ से हिला देने वाली खबर आपको बता रहा है। स्कूल से लौट रही छात्रा का पहले अपहरण हुआ, उसके बाद चार युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। शर्मसार कर देने वाली खबर, हापुड़ से गंभीर हालत में छात्रा को मेरठ रेफर किया गया। कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर का यह मामला, हापुड़ से खबर, अपहरण कर छात्रा से गैंगरेप हुआ है। स्कूल से लौट रही छात्रा का अपहरण किया हैवानों ने, चार युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा। गंभीर हालत में छात्रा को मेरठ रेफर किया गया है। कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर का मामला, छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। शर्मसार कर देने वाली खबर, हापुड़ से स्कूल से लौट रही छात्रा का पहले अपहरण हुआ, उसके बाद गैंगरेप, चार युवकों पर गैंगरेप का आरोप। गंभीर हालत में छात्रा को मेरठ रेफर किया गया। कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर का मामला, हापुड़ से खबर, अपहरण कर छात्रा से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। बेखौफ बदमाश हैं, बेखौफ सौदे हैं। एक तरफ छेड़छाड़ होती है, आरोप लगते हैं कई युवकों पर, कई जगहों से इस तरह की खबरें आती हैं, लेकिन हापुड़ से आती ये खबर हिला कर रख देने वाली है। क्योंकि एक छात्रा स्कूल से घर लौट रही होती है, पहले उसका अपहरण होता है और उसके बाद चार लोग उसके साथ गैंगरेप करते हैं। अपहरण कर छात्रा से गैंगरेप की खबर हापुड़ से इस वक्त आपको बता रहे हैं। शर्मसार कर देने वाली खबर, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली खबर, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाली खबर।